हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। सो दिस इज आल्सो अ मीडियम काइंड ऑफ प्रॉब्लम और ये बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है। मतलब समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा, बट एक बार इसकी ट्रिक पता चल जाए तो आंसर इज़ वेरी सिंपल। सो हम एक बार इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उससे पहले हम देख लेते हैं सब एरे क्या होता है। सब एरे का मतलब है कि कोई भी एक एरे है उसका पर्टिकुलर पोर्शन। सो किसी भी एरे का पर्टिकुलर पोर्शन उठा लो तो उसे सब एरे बोलते हैं। तो जैसे कि इसमें से 2 से 3 तक ऐसे उठा लिया तो दिस इज अ सब एरे। तो उसकी एक बेसिक कंडीशन होती है दैट इट शुड बी कंटिन्यूस सब एरे। तो मतलब कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, फिर कहा 4 भी उठाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे को तो मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए। मैंने नाम में पढ़ लिया मैक्सिमम प्रोडक्ट है, मैं तो सारे बड़े बड़े पॉजिटिव नंबर उठा लूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसा नहीं करना, कंटिन्यूएशन में होना चाहिए पूरी एरे की। मतलब सब एरे जो आप बनाओगे कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। तो लेट्स गो टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, ये इसका नाम दे दिया नम्स, फाइंड द कंटिन्यूस सब एरे विद इन एन एरे कंटेनिंग एटलीस्ट वन नंबर। एक नंबर तो होना ही चाहिए उसमें विच हैज़ अ लार्जेस्ट प्रोडक्ट। तो हमें पता चल गया नाम से मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे से कि इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। सो बहुत सारे बच्चे इसमें बेसिक प्रॉब्लम देखते ही क्या सॉल्यूशन सोचते हैं कि भाई सारे पॉजिटिव नंबर, एक फॉर लूप बनाओ, सारे पॉजिटिव नंबर उठाओ, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमारे पास आ गया। पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है भाई, हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो सपोज़ आपके पास था आंसर ऐसा, अगर आपके पास था 1, 2, 3, फिर था -23, -2। अब आपने देखा भाई 1, 2, 3 तो पॉजिटिव नंबर एक साथ मिल गए, नेगेटिव नंबर एक साथ पड़े हैं, कोई बात नहीं है। तो मज़ा आ गया कि भाई 1, 2, 3 को कर दो मल्टीप्लाई और हमारे पास आ गया आंसर 6। पर आपने अभी देख ही लिया होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 46। तो ऑलवेज 6 इज स्मॉलर देन 46। तो इस केस से हमें पता चल रहा है कि हम ऐसे सिंपल ऐसे आंसर नहीं निकाल सकते कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर उठा लो, नेगेटिव को भाड़ में जान दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो अब हम इसका ट्रिक देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। तो हमें पता है कि हमें पॉजिटिव नंबर का भी ध्यान देना है, नेगेटिव नंबर का भी ध्यान देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, और हमें ये पता है कि डीपी की प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम से सॉल्व होती जा रही है। अगर आपके पास यहाँ तक का मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन है विद पॉजिटिव एंड मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव, ये हम बात करेंगे विद पॉजिटिव विद नेगेटिव का मतलब क्या है। तो अगर आपको कोई एक नंबर दे दे नया, एक मतलब एक एलिमेंट दे दे 4, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली आप पता लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको रिकर्सिवली कॉल करा के पीछे से आंसर मांगना पड़ेगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करके आंसर चेक करना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे थे पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन और नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन या नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन है और एक नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन है। तो हम ये देखते हैं ये कैसे है। जैसे हमने देखा था 1, 2, 3, फिर था -23, -2। तो हमने यहाँ से शुरू किया 1, 2, 3, हमने देख लिया आंसर आ गया 6। हमने जैसे ही -23 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन का मतलब था कि पॉजिटिव नंबर जो मैक्सिमम आया था वो था 6, 6 था मैक्सिमम अब तक। और नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आया है, 6 into, हमने बात करी थी ना ये 1, 2, 3 कर दोगे तो ये हो गया 6, इससे आंसर आ रहा है 6, इससे आ रहा है 46। असल में इसका आंसर है इस पूरी सब एरे को ले लो तो मैक्सिमम प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास। वो कैसे आ रहा है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें नेगेटिव मल्टीप्लाई का भी ध्यान देना है। तो यहाँ तक आया 6 और 23 को लेके चलेंगे तो आएगा 6 into 23 और ये होगा नेगेटिव में, ठीक है। और जैसे ही आपका -2 आया तो आपका पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन हो गया सेम, और नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब आप क्या करोगे, इसको into 2 कर दोगे और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नंबर बन गया पॉजिटिव। तो हमें उसे उठा के रख देना है पॉजिटिव वाले में
और 6 को अगर माइनस 2 से कर दोगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव वाले में, तो ये 6 आ जाएगा नीचे। तो एक तरीके से हमें नेगेटिव वाला भी, ये बस एक इलस्ट्रेशन है दिखाने के लिए कि हमें नेगेटिव वाला भी मल्टीप्लिकेशन साथ में लेके चलना है और उससे ही हमारा सही आंसर आएगा। तो हम चलते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारा बेसिक आइडिया क्या है, हम दो एरे लेके चलेंगे, एक इंट नेगेटिव वाली और एक इंट पॉजिटिव वाली। इंट नेगेटिव वाली होगी कि नेगेटिव नंबर अगर हमने पिक कर लिया पीछे तक तो हमारा सॉल्यूशन कितना है, हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कितना है। पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव नंबर लिया तो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट कितना है। तो ये दोनों लेके चलेंगे और हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन सा है अगर एक नया नंबर आता है। तो नया नंबर मतलब नम आई आता है नया, तो हम अगर ये नेगेटिव हुआ तो आप चेक करोगे कि ये पॉजिटिव नंबर बड़ा है या फिर इस वाले नंबर को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो बड़ा है, तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे लेके चलना है। तो एक बार हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं फिर आपको चीज़ें हो जाएगी और ज़्यादा क्लियर। तो हमने कर दिया नम्स डॉट साइज और एक हमने ले ली पॉजिटिव एरे जैसे कि हमने बात करी थी अभी, और एक ले ली इंट नेगेटिव एरे, और एक हमने ले लिया इंट आंसर, उसमें हमने स्टोर करा दिया फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि हमने कहा है एक एलिमेंट तो लेके ही चलना है। तो इसमें जैसे कि दिया हुआ था कि एटलीस्ट वन नंबर, ये जैसे लिखा हुआ था, तो इसलिए हमने इंट नम ज़ीरो ले लिया इसके अंदर। ठीक है, आफ्टर दैट पोजिशन ज़ीरो के अंदर डाल देंगे नम्स ऑफ ज़ीरो, पॉजिटिव में भी वही डाल दिया, नेगेटिव में भी यही डाल दिया, मतलब तीनों एरे हमने इनिशियलाइज कर दी, मतलब दोनों एरे और जो आंसर था वो भी इनिशियलाइज कर दिया, पॉजिटिव के अंदर भी फर्स्ट एलिमेंट डाल दिया, नेगेटिव के अंदर भी। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं अपनी पूरी एरे पे, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नंबर, क्योंकि हमने जीरोथ इंडेक्स वाला नंबर तो उठा ही लिया है, तो हम उससे नेक्स्ट नंबर से शुरू करने वाले हैं। तो हम आगे चलेंगे, अगर हमारा नंबर नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा दोनों में अलग चीज़ें होंगी, तो हम पहले चेक करेंगे पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, और फिर एल्स में अगर नेगेटिव होगा तो ये एल्स स्टेटमेंट चलेगी, पॉजिटिव हुआ तो ये वाली इफ स्टेटमेंट चलेगी। तो इफ स्टेटमेंट में हम क्या चेक करेंगे, नंबर हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑफ आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ नम ऑफ आई कॉमा पॉजिटिव ऑफ आई माइनस वन, उससे पिछला जो भी मैक्सिमम आंसर चला आ रहा था, इनटू नम्स नम्स ऑफ आई, तो ये हो जाएगा। और अगर नेगेटिव जो हमारा आंसर चला आ रहा था उसमें क्या ले लेना है, और छोटा ले लेना है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है जैसे हमारे पास 21 है हमारे पास, और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आया 2, तो जो नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन था ना इसे भी हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि ये माइनस 21 बड़ा है या इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, बड़ा मतलब नेगेटिव वे में बड़ा, क्योंकि नाम ही है इसका नेगेटिव एरे, तो इसे हमें नेगेटिव से नेगेटिव रखना है, तो ये हो जाएगा माइनस 42। तो हमें ये लग रहा है अच्छा माइनस 42, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके हम फिर से एक नेगेटिव नंबर से इसे मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि बड़ा नंबर बन जाए, तो हम इसे जितना नेगेटिव और हो उतना हमारे लिए बेटर है, इसलिए ऊपर पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना चाहेंगे और बड़ा बनाना चाहेंगे, नेगेटिव को और ज़्यादा नेगेटिव, जैसे होता है ना अच्छाई और अच्छाई होती जा रही है, मतलब और अच्छाई बनती जा रही है, बुराई और नीचे गिरती जा रही है, तो ऐसा सा कुछ सोच के हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर नंबर जो नया आया है वो ऑलरेडी काफ़ी छोटा हो, तो हम देख लेंगे वो नंबर एज इट इज़ हम ले सकते हैं या नहीं, अदरवाइज इससे पहले जो हमारे पास नेगेटिव का आंसर आया था उसको अगर हमारे करंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो छोटा है या नहीं, ये दो सिनेरियो ले सकते हैं हम। ठीक है, पॉजिटिव का केस देख लिया कि जो नंबर ये नंबर पॉजिटिव था तो हमने देख लिया कि ये नंबर यही होना चाहिए या फिर आई माइनस वन इंटू नम्स ऑफ आई होना चाहिए, और नेगेटिव के केस में देख लिया मिनिमम ऑफ नम्स ऑफ आई या फिर नेगेटिव वाले नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और कितना नेगेटिव हो रहा है।
ठीक है। अब इफ स्टेटमेंट में हमें पता चल गया कि भाई पॉजिटिव नंबर हुआ तो ये होगा, अब नेगेटिव नंबर हुआ तो क्या होगा, तो हम पॉजिटिव नंबर की एरे को हम ऐसे अपडेट करेंगे मैक्सिमम ऑफ नम्स ऑफ आई, जो नेगेटिव नंबर हमारा आया है। तो हो सकता है हमारे पास जो अभी भी पॉजिटिव के अंदर जो आंसर आ रहा है हमारा, जैसे कि वो है हमारा, वो भी नेगेटिव में चला गया, जैसे 21, क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट हमने इनिशियलाइज ही ऐसे किया था कि पॉजिटिव के अंदर भी फर्स्ट एलिमेंट डाल दिया, तो फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है -21 हो, तो हमने उसके अंदर कंपेयर करने के लिए इसके अंदर रखा है उसे कि अगर ये नंबर बड़ा है तो ये लेना है, और अगर ये नंबर बड़ा नहीं है तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते थे, नेगेटिव वाली एरे को चुराते थे, और जो अभी नंबर आया वो तो हमारा नेगेटिव है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसमें है हमारा करंट नंबर इज पॉजिटिव, और एल्स के अंदर है हमारा करंट नंबर इज, तो अगर नेगेटिव नंबर है तो हम चेक कर लेंगे कि वो पर्टिकुलर नंबर बड़ा है या फिर हम इसमें नेगेटिव का यूज़ करेंगे। तो हमें पता है हमारा नंबर भी नेगेटिव है, इस नेगेटिव को नेगेटिव वाली एरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, हमने ये मान लिया, इसलिए हम नेगेटिव एरे से अपने पर्टिकुलर आंसर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नम्स इनटू आई। और दूसरा क्या हो सकता है, नेगेटिव ऑफ आई, नेगेटिव ऑफ आई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, हमें पता है नेगेटिव को हम और मिनिमम बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव को और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, अच्छे लोगों को और अच्छा, बुरे लोगों को और बुरा, तो नम्स ऑफ आई कॉमा पॉजिटिव ऑफ आई माइनस वन इंटू नम्स ऑफ आई। अब ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ये देख के वीडियो पॉज करो और बताओ हमने ये चीज़ क्यों लिखी है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पॉज ही ना किया हो, तो उनके लिए डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ कि हमने ये चीज़ क्या करी, हमने अभी डिस्कस किया था हम नेगेटिव नंबर को और नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है जो नया नंबर आया वो काफ़ी नेगेटिव हो, और हो सकता है जो पॉजिटिव एरे के अंदर हमारा एक पॉजिटिव नंबर पड़ा होगा और करंट नंबर हमारा नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एक नेगेटिव नंबर आएगा, तो हम चेक करेंगे कौन सा मिनिमम है, तो उसको अपनी एरे के साथ अपडेट कर देंगे। और दोनों चीज़ को चेक कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव नंबर है वो ही होगा मैक्सिमम हमेशा, जो हमारा पॉजिटिव ऑफ आई है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आई होगा। तो हमें ये पता है कि हमें नेगेटिव वाली एरे से आंसर को कंपेयर नहीं करना, डायरेक्टली पॉजिटिव को और आंसर को कंपेयर कर लेना है, तो हमें सिर्फ लिखना पड़ेगा आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा पॉजिटिव ऑफ आई। अगर केसेस हो सकते थे कि नेगेटिव में भी हमें बड़ा नंबर मिलता तो हमें उससे भी कंपेयर करना पड़ता, तीन का कंपैरिजन करना पड़ता, बट हमें पता है इसके अंदर हम तो भाई नेगेटिव स्टोर कराने के लिए ही नेगेटिव रखते हैं, इसलिए हमें सिर्फ आंसर को आंसर के साथ कंपेयर करना है और आंसर को पॉजिटिव एरे के साथ कंपेयर करना है। सो इन द एंड हमें रिटर्न कर देना है आंसर, आंसर के अंदर आंसर है। तो एक बार पूरे क्वेश्चन का गो थ्रू कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है सब एरे का, तो हमने एन इनिशियलाइज कर दिया, एक पॉजिटिव एरे ले ली, नेगेटिव एरे, पॉजिटिव एरे को बड़े से बड़ा रखना है, नेगेटिव एरे को छोटे से छोटा रखना है। वो किस लिए, जो छोटे से छोटा होगा अगर वो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो गया तो हो सकता है वो बड़े से भी बहुत बड़ा बन जाए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो पॉजिटिव एरे को, आंसर को और नेगेटिव एरे को हमने इनिशियलाइज कर दिया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नम्स एरे से, तो हमने सेकेंड एलिमेंट से शुरू कर दिया, सेकेंड एलिमेंट से शुरू कर दिया, तो हमने चेक किया पॉजिटिव नंबर है तो ये वाली चीज़ें करेंगे, नेगेटिव नंबर है तो ये वाली चीज़ें करेंगे। पॉजिटिव नंबर है तो हम उसको पॉजिटिव वाली एरे से मल्टीप्लाई करके और बड़ा पॉजिटिव बना देंगे, नेगेटिव नंबर है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये दोनों सिनेरियोज देखेंगे। तो नेगेटिव नंबर के लिए हम इस वाली नेगेटिव एरे का भी मिसयूज़ कर रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं वैसे तो, बट बोल सकते हैं मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों नेगेटिव है तो हो सकता है बहुत बड़ा नंबर बन जाए, तो हमारे पास ये पॉजिटिव और बड़ा पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव के अंदर ही हमेशा मैक्सिमम प्रोडक्ट पड़ा होगा, मतलब इन दोनों में से मैक्सिमम नेगेटिव वाले में हमेशा कम होगा, पॉजिटिव वाले में हमेशा ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम कंपैरिजन में सिर्फ पॉजिटिव वाले को ले रहे हैं और आंसर को अपडेट कर रहे हैं और वही रिटर्न कर रहे हैं। तो अभी जल्दी से हम इसे कोड को रन कर देते हैं, सेमी कॉलन, ओके,
ये हमने ज़्यादा ही बाहर रिटर्न कर दिया है, तो इसको उठा के इधर आना चाहिए। इसलिए इंडेंटेशन का हमेशा ध्यान देना है कि ये वाला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो ये यहीं पे ख़त्म हो। ओके, सो ये कह रहा है नम्स की जगह हमने नम लिख दिया है, बहुत सारे टाइपोस, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है टाइपोज हो तो, बट लॉजिक हमारा क्लियर होना चाहिए हमेशा और हमारा आंसर चलेगा बहुत तेज़, तो 98% फास्टर है बाकी लोगों से। आप इसे और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं तो आपका 100% तक भी अचीव कर सकते हैं, बट ये आइडियल सिचुएशन मतलब नहीं रखनी है यार, 90+ हो जाए तो खुश हो जाओ बस, बहुत बढ़िया आंसर दे दिया। सो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।